बिस्म असल फ्रेंड्स एंड पेपर जॉब्यूज यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशीद कहता हूँ फ़्रेंड्स तो आज ही ये पेपर हुआ है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए एफ़ आई ए में इंस्पेक्टर का पेपर है बैच वन और बेच टू दोनों का ये पेपर है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है इसके अलावा एफ पी एस सी के ज़रिए जितने भी चार बेचस के जो पेपर हुए हैं असटेंट डायरेक्टर के तो इन सब के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं आप देख सकते हैं है क्वेश्चन है।, है कि यू एन सी ओ पी ट्वेंटी एट विल बी हिल्ड इन ये दुबई में यूनाइटेड अरब अमारात इसको आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यू एस यूनाइटेड स्टेट का जो वाइस प्रेसिडेंट है कौन है कमला हारिस हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है फोमियो है नेक्स्ट है कि हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली राजा परवेज अशरफ ये जो है अभी ख़त्म हो गए सारे लेकिन ये तक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान आर्मी हैज़ बीन रेंकड इन द मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2023 पाकिस्तान जो है इसकी मिलिट्री रैंक जो है स्ट्रेंथ के लिहाज से कितना है सहमत है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द ओनली कंट्री दैट यूज़ यूरो करेंसी इन एशिया साइप्रस जो है ये सिर्फ एशिया की ये मुल्क है जो कि यूरो करेंसी यूज़ करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक कोलेक्टिवरी कार्ड तो इसको क्या कहते हैं ब्रिटेन इंस्टीट्यूशन कहा जाता है इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यू के ऋषि आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द करंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ओ आई सी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कारपोरेशन के करंट जनरल सेक्रेटरी कौन है हिसन ब्राहिम ताहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द हु इज़ करंट यू एस एम्बेसडर टू चाइना तो ये कौन है और निकोलस बरंद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द करंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ सार्क जो है गोलम सरवर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है कौन है सादिक सिंजरानी है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेन विल ट्वेंटी नाइन्थ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा टेक ओथ आन ये सतारह सितम्बर दो हज़ार तेईस को अपना जो है ऑफिस संभालेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड सेकेंड फीमेल जज ऑफ पाकिस्तान कोर्ट तो ये जस्टिस मुसरत हिलाली हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान नेवी एंड नेवी कंडक्टेड ड्रिल्स एट कराची इन जनवरी 2022 तो ये यूनाइटेड स्टेट के साथ हुई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्म ऑफ जनरल सेक्रेटरी ऑफ ओ आई सी इज ओ आई सी के जो जनरल सेक्रेटरी होता है इसका टर्म कितना होता है फाइव ईयरस होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर लोकेटेड इन तो ये कहाँ पर है वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर तो ये वाशिंगटन डीसी में है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन वेयर इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर इंटरनेशनल एटॉमिक इटामिकर्जी हेडक्वार्टर जो है ये वियाना ऑस्ट्रिया में है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक हेड क्वार्टर लोकेटेड इन तो ये कहाँ पर है एशियन के हेड क्वार्टर जो बैंक के हैं इन्वेस्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फरस्ट, के तो ये बीजिंग चाइना में है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स दो हज़ार इक्कीस में पाकिस्तान का जो रैंक था ये एक सौ छालीस था नेक्स्ट सवाल है कि पाकिस्तान रैंक इन डेमोक्रेसी इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन अकॉर्डिंग टू इकनस इंटेलिजेंस यूनिट तो एक सौ चार हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर के हेल्स डेमोक्रेसी इन द मिलिट्री स्ट्रेंथ इज जो है ये करेक्ट आंसर है नेमसी पॉलिसी विजिट ताइवान ऑन तो इन्होंने ताइवान का विजिट कब किया था दो अगस्त 2022 को किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री बैन बीबीसी न्यूज़ तो चाइना ने बीबीसी न्यूज़ को क्या किया है बैन किया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वन नोबल प्राइज़ 2022 इन लिटरेचर तो 2022 का जो लिटरेचर में नोबल प्राइज़ जीता है तो ये एनी ई है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान गेव फोर आर स्ट्रेंथ इन ये जनेवादरलैंड इस करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री वन फीफा वर्ल्ड कप 2022 2022 फीफा वर्ल्ड कप जो है ये किसने जीता है ये अर्जेंटीना ने जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेन विल हिल्ड आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप तो दो हज़ार का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है आईसीसी इंडिया ने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टोटल टीम्स इन आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में जो है कितनी टीमें थी दस टीमें थी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है मरहोर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदर एंड क्लाइमेटिक पैटर्न ड्राइव्स बाई तो ये सोलर रेडिएशन इस करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है या भी बेच टू के शुरू हो गए हैं कि ट्रांसफार्मर्स वर्क ऑन फिनमिना कार्ड तो इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये एन एच बाई टू पी आई हैं या टू पाई है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ फोर्स इज नॉन इज टू इसको लॉ ऑफ मोशन बी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सी टू डी सी कन्वर्सेशन जो है ये स्प्लिट रिंग इज करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्सलेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी तो ये क्या होती है इसमें मास जो होता है बॉडी का ये रिमेन कांस्टेंट ये कांस्टेंट होता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल गुगार्ड इज अ सिटी इन तो ये रशिया में है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंडविच आइलैंड जो है कहां पर है हवाईयन आइलैंड है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोप टू 28 विल बी होल्ड बाय तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात इज करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी एस आफ ओ आई सी जो हैं हिस्सान बरहमताहा हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्म आफ जी एस जो है ओ आई सी का तो ये जी एस मतलब जनरल सेक्रेटरी का तो ये फाइफ इर्द होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल सेक्रट्री जो है जोलम सरवर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैन्सी पुलिस ने ताइवान का विजिट कब किया था अगस्त दो हज़ार बाईस में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउथ एशियन सेपरेट फ्राम सेंट्रल एशिया इन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान बाई माउंटेन रेंज तो ये हिंदू कुश रेंज

डी में है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है जो कि कलेक्टिवली कॉल कलेक्टिवलीते हैं ब्रिटेन उड्स कहा जाता है इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, कि किस कंट्री ने जो है बीबीसी न्यूज़ पर बैन किया था बैन किया है तो ये चाइना है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान गेव फोर आर एफ स्ट्रेटी इन जनेवा स्विट्जरलैंड इस करेक्ट रेक्ट नंतर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तर्जुमान कुरान टाइटल जो है ये का हज़रत अब्दुल्ला बिन नेक्स्ट क्वेश्चन है है है। है कि कि तो ये है। Next question है कि केम्पला चेंज। केम्पला जो है दो हिजरी को तब्दील हुई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटर इन विच प्रॉफिट नॉट टेक पार्ट तो ये कौन सी जंग थी तो इसका करेक्ट आंसर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेव रिसाइड इन मदीना ड्यूरिंग हिजरी इसकी भी ऑप्शन नहीं है इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दो आंसर जो है कमेंट में लाजमी बता दें रियाजुल जन्ना इज अ पार्ट ऑफ द तो ये मस्जिद नबी नबीकी का हिस्सा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का जो है ये आर्ट हिजरी को जो है फतह हुई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होमलेस पीपल इज इनवर्ट तो ये एक सौ दस मिलियन लोग जो हैं ये होमलेस पीपल हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेल्थ इज फंडामेंटल राय जो है डब्ल्यू एच ओ का तो ये करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है यू एन रेजोलूशन नाइनटीन फोटी सेवन तो इसका करेक्ट आंसर आप काइंडली बता दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सिस्टम प्रैक्टिस इन बलोचस्तान बल्चिस्तान में जो सॉरी सॉरी वाटर सिस्टम जो है ये का वाला सिस्टम है बाकी जो है आइडेंटिफाई नाउन वाला था आइडेंटिफाई एडवर्ब वाला था इसके बाद मिसिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस था सब्जेक्ट वग़ैरह इसके बाद मिसिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑब्जेक्ट था इसके बाद नेक्स्ट जो था कि टाइप्स ऑफ क्लास था दो क्वेश्चन थी इसके इसके बाद ये जो है कि सॉल्व करना था यानी सोल्व सेवन एन प्लस ट्वेल्व इज ईक्ल टू फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन तो इसे एन इज इक्ल टू फाइव आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्टी बाई सिक्सटी सी प्लस जो है टू बाई थ्री आता है ऑप्शन नान ऑफ दिस था नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्री फोर परसेंटेज एंड एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन थे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो है ए की चार प्लस बी प्लस नाइन इज तो ये क्या है पोलिनियल है मोनोनामियल है या नॉन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री बाई फोर थ्री इज तो ये क्या है एडेंट है कंसिक्वेंट है मल्टीप्लिकेंट है नॉन है आंसर जो है ये इंटेसीडेंट है नॉट गिवन इन दी ऑप्शन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का कि अलफार वाद ए ये क्या कौन थे मैथमेटिशियन थे फादर ऑफ अलज्रा थे तो फ्रेंड ये ताफे पर वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें हमारे चैनल जाके उसको तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज